आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कॉकरोचेस को घर से भगाने का 100% इफेक्टिव तरीका, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज विशाखास डायरी। और इस चैनल पर आपको कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लेना। अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखें तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसके पहले यूज किए थे। फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने यूज किया था वो है नेफ्थलीन बॉल्स। ये आप सभी लोगों को पता होगा, ये वाले बॉल्स, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देन सेकेंड है, ये पाउडर मिलता है बाजार में, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। थर्ड प्रोडक्ट है ये वाला, ये भी कॉकरोचेस का पाउडर है, तो इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। और भी मैंने बहुत सारे घरेलू उपाय किए, मैं क्लीनिंग करती थी बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद एक प्रोडक्ट मैंने लकीली लाया, उसका नाम है पोसाइडन, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी और पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। इसको लगाना कैसे है, इसकी प्रिकॉशंस क्या क्या है, वो भी सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये सच में 100% इफेक्टिव तरीका है, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। ये सभी लोगों को यूजफुल होगा वीडियो, और जो किसी को ये परेशानी है घर में कॉकरोचेस की, तो उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए इसका डिटेल में जान लेते हैं। तो इसका पैकिंग कुछ इस तरीके से है, इसका नाम है पोसाइडन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है किलिंग जेल फॉर जर्मन कॉकरोच, वर्क्स अप टू 6 मंथ्स। तो इसका आपको यूज बस एक बार करना है, उसके बाद 6 महीने तक आपके घर में कॉकरोचेस नहीं दिखेंगे। और सारी चीजें मेंशन की हुई है। ये प्रोडक्ट है कोरिया का, यहाँ पर इसका दिया हुआ है कंटेंट, ये मैं वीडियो में भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, ताकि अगर आपको ये सेम प्रोडक्ट नहीं मिलता है, दूसरा कोई मिलता है, तो आपको बस ये कंटेंट देखना है कि उसमें है या नहीं। और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एक्सपेक्टेड टाइम ये है कॉकरोचेस को भगाने का या उनको मारने का 7 to 10 days। यहाँ पर 7 to 10 days लिखा है, लेकिन मुझे 2 से 3 दिन में ही फर्क दिखाई दिया था। जब हम ये अप्लाई करते हैं घर में, तो उसके बाद कॉकरोचेस उसको खाते हैं और वो मर जाते हैं, मतलब वो ऐसे झूलने लगते हैं, उनको चलना नहीं आता और फिर वो मर जाते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव लगा मुझे ये, 2 से 3 दिन में वर्क करता है। और सारी डायरेक्शन भी दी है कि कैसे यूज करना है उसको, मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। और उसके बाद यहाँ पर भी डूज एंड डोंट्स दिए हैं, और यहाँ पर ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि आप कहाँ कहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो घर में जो कोने हैं वहाँ पर इसको आपको अप्लाई करना है। इसका अप्लाई करने का कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, जैसे हम हीट का स्प्रे यूज़ करते हैं, तो मोस्टली हम रात में स्प्रे करते हैं, क्योंकि हमारा खाना बनाने के बाद किचन फ्री हो जाता है, तो हम रात में स्प्रे करते हैं। इस जेल को अप्लाई करने के लिए ऐसे टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखते हैं अंदर का कैसा है पैकिंग। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये सिरिंज टाइप बनाया गया है इसको, 35 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। अंदर भी सारी वो इंस्ट्रक्शन आपको सेम दिखाई देंगी। और इसको हमें ऐसे प्रेस करना है, और इसको प्रेस करने के बाद ये जेल ऊपर आ जाता है इसके अंदर का। जब हमें इस्तेमाल करना है तो ये कैप निकालनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कितनी क्वांटिटी अप्लाई करनी है, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। तो बस आप जब इसको प्रेस करोगे, धीरे से प्रेस करना है, तो ये तुरंत से बाहर निकल कर आ जाएगा। और बस इतना ही आपको लेना है, और ऐसे जहाँ पर आपको लगाना है कोने में, वहाँ पर बस छोड़ देना है। तो ये चिपक जाता है, आप कहीं पर भी दीवार पर भी अप्लाई कर सकते हो इसको। तो इस तरीके से बस थोड़ा थोड़ा आपको 1 से 1.5 फीट के दूरी पर लगाना है। और इसकी जो कॉस्ट है, मैंने ये कुवैत में लिया है ग्रैंड हाइपर से, तो मुझे 3.6 KD में ये मिला था। आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्शन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इससे भी ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स थे वहाँ पर, लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि ये इफ़ेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। मैंने ऐसे ही रैंडमली इसको उठा लिया था, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव निकला। तो
इस टाइप में, इस जेल में बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन आपको उतने महंगे खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे लिंक मिलती है ऑनलाइन शॉपिंग का इसका, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना वीडियो का। और अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हो तो ग्रैंड हाइपर में आपको ये मिल जाएगा, या कुवैत में जो रैंडम ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ पर किचन की चीज़ें मिल जाती है, बर्तन वगैरह, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक करना। और इंडिया में आई गेस ये सेम नाम का नहीं होगा, इंडिया में आपको हीट का जो प्रोडक्ट है, हीट का भी जेल आता है सेम ऐसे ही सिरिंज टाइप में, तो वो आपको मिल जाएगा इंडिया में। और अदर कंट्रीज में आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, आप ऑनलाइन ऐसे कुछ इसका नाम डाल दोगे तो आपको सिमिलर जो रिजल्ट्स है वो मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करके अभी 3 मंथ्स हो गए हैं मेरे घर में, और तब से मुझे एक भी कॉकरोच नहीं दिखा। तो आपको ये कहाँ कहाँ और कैसे अप्लाई करना है, मैंने मेरे घर में कैसे कैसे कहाँ पर अप्लाई किया था वो अभी दिखाती हूँ। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा सोफ़ा सेट। और जनरली कॉकरोचेस क्या करते हैं, उनको छुपने के लिए जगह चाहिए होती है, तो वो इसके पीछे जाकर बैठते थे नीचे की साइड में। तो मैंने नीचे के साइड में जो उसका सोफे का जो पार्ट है एक, उस पर डॉट्स लगा दिए थे 2-3। और जो वॉल है यहाँ पर नीचे, इस वॉल के ऊपर यहाँ पर जगह है, वहाँ पर भी मैंने पीछे वॉल पर डॉट्स लगा दिए थे छोटे छोटे। तो सोफे का ये जो पार्ट है यहाँ पर, इसके ऊपर मैंने डॉट्स लगा दिए थे पीछे के साइड में। तो इस तरीके से आप सोफे पर अप्लाई कर सकते हो। और ये है कबर्ड मेरा, तो कबर्ड में भी मैंने यहाँ पर डॉट्स लगाए हैं, आप देख सकते हो। तो ऐसे जहाँ पर हमारा कांटेक्ट नहीं होता है, टच नहीं होता है, वहाँ पर आप इनको अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर किचन में मैंने ऐसे डॉट्स लगाए हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर आपको ये डॉट्स लगाने हैं। तो बेसिन के साइड में मत लगाइए, क्योंकि वो पानी के कांटेक्ट में आने के कारण ये जो जेल है वो धुल सकता है और वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। तो इस तरीके से लगाना है आप लोगों को। और इसके बाद बाथरूम में भी आप इसको लगा सकते हो, जैसे कि मैंने सिंक के पीछे लगाया था, टैप का जो आउटलेट है उसके ऊपर मैंने लगाया था। तो इस तरीके से बाथरूम में आप लगा सकते हो जहाँ पर कॉन्टैक्ट ज़्यादा ना हो। सो होपफुली आपको ये प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे यूज करना है, क्या करना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या पेट्स हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को कोने में लगाइए, थोड़ी से क्वांटिटी में लगाइए, जहाँ बच्चे या पेट्स पहुँच नहीं सके, थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए। और आप भी इसको अप्लाई करते टाइम हैंड ग्लोव्स पहन सकते हैं। अगर ये स्किन पर लग जाता है आपके, तो आपको अच्छे से साबुन से स्किन को धोना है। अगर आँख में चला जाता है तो आपको भी अच्छे से पानी से धोना है। और अगर कोई आपको साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो डॉक्टर को अप्रोच जरूर कीजिए। तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखिए। अगर आपने ये प्रोडक्ट लाया और आपको यूजफुल लगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। और अगर आपकी कुछ और क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करना, विशाखास डायरी आईडी आपको दिख रहा होगा वीडियो में। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।